हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन मचलिंग गाइस। और आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बेटिंग टेक्निक्स जिसकी वजह से आप एनिमी को मार सकते हो। और अगर आप एनिमी के सामने और एनिमी ज़्यादा टीपी भी ले रहा है, वहाँ से नहीं निकल रहा है, तो उन बेटिंग टेक्निक्स की मदद से एनिमी बाहर भी आएगा और आप उन्हें मार भी दोगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि एज ऑलवेज हमारा टारगेट होता है वो पूरा करवा दो 5000 लाइक्स का। और अगर 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फटाफट से एक और नई वीडियो आएगी। और जो भी चैनल पर नया फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना। सो या अभी तो वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइज, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर वन, विच इज़ बॉडी बेटिंग प्लस जंप एंड शूट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत ही मतलब मेरी फेवरेट ट्रिक है यार। इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे सामने कोई बंदा है, ठीक है, आप उसके मुंह पे जाओगे तो ऑब्वियसली उसका एम रहेगा और वो आपको मार देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपनी बॉडी से बेट करना है, उसके बाद उसे जंप करके मारना है। और जैसा कि आप सभी को पता है यार, बिना एग्जांपल्स के तो मैं बात करता नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ और उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि कैसे आपको बॉडी बेटिंग टेक्निक्स यूज करनी है। लेट्स गो फॉर एग्जांपल्स। अब देखो, यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा है, ये जाके टीपी भी लेने लग जाएगा। अब मैं इसके सामने जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे देख पा रहा होगा, तो मैं इसे बेट कैसे करता हूँ, मैं लेफ्ट राइट जाके बेट करूँगा। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट में जाऊँगा, ठीक है, और इसका पूरा एम मेरे पे होगा। ठीक है, ये देखो, और एकदम से मैं राइट हो गया, फिर इसका एम राइट में हो गया बेचारे का, और लेफ्ट करके मैंने इसे जंप करके मार दिया। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत बार काम आती है और आप इसे यूज़ कर सकते हो क्लोज रेंज में। ऑब्वियसली जब आपके सामने एक एनिमी हो, उसे पूरा का पूरा बेट करो, उसे लेट मारो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अगर मैं पहले गोली मारूंगा तो पहले मरेगा। यार अगर आपकी गोलियां मिस हो गई तो कैसे मरेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको सामने वाले की गोलियां मिस करवानी है। अब जैसे मैं यहाँ पे, आपने देखा कि मैं चाहता तो उसे स्टार्टिंग में मार सकता था, ठीक है, बिकॉज मे बी शायद वो इतना अच्छा प्लेयर ना हो, मैं रिस्क ले सकता था। बट अगर वो होता तो, अगर उसका हेड लग जाता तो मैंने उसे प्रॉपर वेट किया, उसके बाद मैंने मारा। तो अब फटाफट से मैं आपको एग्जांपल्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर टू, यहाँ पे सामने मैंने बंदा देख लिया, मैं चाहता तो लेफ्ट में जाके टीपी भी ले सकता था, बट मैंने उसे अपनी शक्ल दिखाई और आप देखो मैंने उसे मारा नहीं, मैं पूरा लेफ्ट में चला गया। अब वो मारते मारते लेफ्ट आएगा, देखो उसका एम कहाँ पे, लेफ्ट में, और इजीली जंप करके राइट में मैंने उसे हेड दे दिया। और मतलब यार ये टेक्निक मेरी फेवरेट टेक्निक है, वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक्स, और हर बार काम करती है। चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, मुझे पता है एग्जाम्पल्स देखने में बहुत मज़ा आता है आप लोगों को। इस बार मैं जंप करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, बट यहाँ पे देखो राइट गया लेफ्ट आया, उसके बाद वो डेफिनेटली सोच रहा होगा कि वो चला गया कवर में, बट मैंने यहाँ पे जंप करके इसे मारने स्टार्ट किया। हालांकि जंप गलत हुआ, इस वजह से इसने मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, वरना डेफिनेटली इतना भी डैमेज नहीं दे पाता। पॉइंट नंबर टू, पीक एंड अनपीक। ये देखो मैंने काफ़ी टाइम से ही पॉइंट लिख रखा था अपनी बुक में कि आप लोगों को बताऊंगा, बट यार ये थोड़ी सी हार्ड टेक्निक है और इसमें गड़बड़ भी हो जाती है, तो मैंने सोचा नहीं बताऊं, बट फिर भी मैंने सोचा चलो बता देता हूं, क्योंकि आपके रिस्क पे है। और इसमें एक्चुअली करना क्या होता है कि जैसे सामने वाले बंदे को पीक करके तीन चार गोली मारनी है, वापस अनपीक करना है, वापस से दूसरी साइड से पीक कर देना, जब उसको ऐसा लगे कि अब ये बंदा चला गया, अब ये बंदा पीक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हो खुद भी यूज़ करने में, कहाँ पर पीक करना है कहाँ पर नहीं करना है, बट स्टिल मेरा काम है एग्जाम्पल दिखाने का, अगर आपसे यूज़ होती है तो ठीक है, बाकी इसकी कुछ ऐसा ड्रिल व्रिल नहीं है। ये जो भी बेटिंग टेक्निक्स है, ये जस्ट गेम सेंस की बात आप समझ सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से एग्जाम्पल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको रुक रुक के फायर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फायर किया, अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया, ठीक है, फायर किया कवर में जाके, मैंने वापस से यहाँ पे फायर करना स्टार्ट किया और फिर से कवर में गया, फिर से मैंने यहाँ पे फायर करना स्टार्ट किया। अब ये बंदा तो चलो समझ में आता है, कुछ ज़्यादा ही नूब समझ सकते हो नूब था, वरना अगर कोई भी होता तो यार वो डेफिनेटली पीक करता है, ठीक है, वो भाई पीक करने के मारने की कोशिश करता है। जैसे अभी देखो इसने लास्ट में मारने की कोशिश की, ठीक है, ये पहले भी तो मारने की कोशिश कर सकता था, मेरी क्लिप ख़राब करनी थी, बट इसको कोई बात नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि मैं एक बार फायर करके नहीं रुकता हूँ, मैं एक बार फायर किया फिर वापस रुका, फिर फायर किया फिर रुका, फिर फायर किया फिर रुका, ऐसे तीन चार बार करता हूँ। इतने में वो बंदा यार एक बार तो पीक करता ही है, और जब वो पीक करे, जब आपको फायर बंद नहीं करना है, जब आपको उसके मुँह ही मुँह पर मारनी है गोलियाँ, ठीक है, गोलियां मारनी है और उसे नॉकआउट कर देना है, खत्म कर देना है आपके ऊपर है। और लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल।
तो इसमें बेसिकली होता ही है कि जब आप एक बार फायर करके कवर में आते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि यार हो सकता है यार उसने इतना लंबा फायर इसलिए नहीं दिया हो कि वो गन रीलोड कर रहा हो, तो चलो मैं भाग के जाता हूँ और उसे मार देता हूँ। तो इस कंडीशन में सामने वाले को आप बेट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग लंबा यानी बहुत ज़्यादा प्री फायर देते रहते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ अभी फायर कर रहा है, फायर कर रहा है, अब जब ये रुकेगा इसका मतलब ये रीलोड करेगा। तो यही आपको बेट करना है, आपको थोड़ा सा फायर करके कवर में आ जाना है और वहीं पर रुक जाना है जब तक वो दोबारा भाग के आपके सामने नहीं आता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगेगा कि यार वो शायद रीलोड कर रहा हो, आपको मारने के लिए आपके ऊपर कूदेगा और तभी आप उसको मार दो। बहुत सिंपल। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 3। अब ये भी बॉडी वेटिंग टेक्निक है, बट ये पहले वाली से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाली में तो आपके सामने आने में रहता है, आपका क्रॉस हेयर उसके आसपास ही रहता है, बट इस वाली में क्या होगा कि आपका जो क्रॉस हेयर है ना वो बिल्कुल अपोजिट साइड हो जाएगा। मतलब आपको कई बार घूमना भी पड़ सकता है वेट करने के लिए, कई बार आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ सकता है और तब आपको घूम के एकदम से वेट करके सामने वाले बंदे को मारना है। अब आपको नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली बात है, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हमेशा रखता हूँ, बिकॉज एग्जांपल्स से जो चीज़ समझ में आती है ना, वो भी स्लो मोशन में, वो किसी से समझ में नहीं आती, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको 180 डिग्री टर्न करके मारना आना चाहिए। उसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपका मुंह पूरा पीछे, आपके पीछे बंदा आ गया, ठीक है, तो आपको पूरा घूम के उसे मारना आना चाहिए। अब जैसे मेरा मुंह यहाँ पे पीछे था और मैंने एकदम से साउंड सुना बंदा आया और पूरा मैंने पीछे घूम के उसे मार दिया, और HP देख सकते हो आप यहाँ पे 1 HP है। तो ये एक एग्जांपल था। अब मैं आपको जो मैंने पॉइंट बताया उसके एग्जांपल्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो मेरी पूरी की पूरी वीडियो में इससे बेस्ट एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा और आपको डेफिनेटली हंसी भी आएगी एग्जांपल देख के। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन कर रखा ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप सामने देख सकते हो कि बॉक्स के पीछे वो बेचारा खड़ा हुआ और वापस बैठ गया, ठीक है, तो वहाँ पे वो बंदा है, ठीक है। अब बेचारा काफ़ी इनोसेंट सा लग रहा है, बट उसे मारना तो पड़ेगा। तो बेट कैसे करता हूँ मैं, पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन में उसे जाके दिखाता हूँ कि चल मैं जा रहा हूँ तो मुझे मार। जैसे ही वो मुझे मारने के लिए पीक करेगा, उससे पहले ही मैं यहाँ पे पीक करके प्री फायर देना स्टार्ट कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब वो बेचारा बाहर तो आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एम ही ख़राब हो गया तो मैं उसे नहीं मार पाया, ठीक है, मेरा एम पूरा ख़राब हो गया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने हक दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं। एक एग्जांपल आप अच्छे से देखो ये वाला, मैं वापस से कवर में आ जाता हूँ, ठीक है। अब एक बार तो मैंने उसे बेट कर दिया, ठीक है, वो बेट हुआ बट मेरी ही गलती की वजह से मैं उसे नहीं मार पाया। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि मैं दोबारा उसे बेट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी गन रीलोड की, अब बेचारा सामने आराम से बैठा, उसको कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। मैं वापस से भाग के जाऊँगा, वापस से वो सेम गलती करेगा, और ऐसा एक बार दो बार नहीं, 3 बार होता है, ठीक है। देखो मैं वापस से उसे दिखाता हूँ कि चल ठीक है तू बैठा रहे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं जाने लगता हूँ वो भाई वापस से यहाँ पे आते हैं, और मतलब क्या बोलूँ मैं, एक बार दो बार नहीं, मैं भी 3 बार हक देता हूँ। बट इस बार उसे गोली लगती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बट मुझे समझ में नहीं आया कि वो मरा क्यों नहीं। चलो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट एक बार बेट हुआ, 2 बार बेट हुआ, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे मतलब 3री बार भी वो कैसे बेट हो सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पे। बट या वो 3री बार बेट नहीं होता, वो बेचारा पीछे भागने लगता है, और मुझे लगा कि यार वो मुझे मारने आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रोन होकर उसे मारना चालू किया। उसे 1-2 गोली लगी, वो पहले भी काफ़ी डैमेज था, बट वो फिर भी नहीं मरा, और वो बेचारा 3री बार भाग ही गया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ से निकलते हैं, तो वो बेचारा खल्टी मार गया। अब यहाँ पे अच्छे से देखना मैंने कैसे बेट किया। मुझे समझ में आया कि सामने वो बंदा बैठा है, ठीक है, मैं एकदम से पीछे घूमूंगा और उसको दिखाऊंगी मैं जा रहा हूँ ताकि वो आए, और जैसे ही वो अंदर घुसा मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा हक दिया, इसलिए उसने मुझे 1 HP कर दिया। मेरे पास यहाँ पे वेस्ट नहीं थी, बट स्टिल ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और मैं आपको एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूँ वापस से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मेजरमेंट ले लिया कि मुझे कितना भागना है, कैसे घूमना है, और जैसे ही मैंने उसे बेट किया, उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। देखो उसने 1 भी गोली नहीं चलाई मुझ पर, मैंने उसे कितना ज़्यादा डैमेज दे दिया, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे वेस्ट नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे नॉक तो कर दिया, बट उसने मुझे 1 HP कर दिया, बिकॉज ये कस्टम था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसे क्लासिक में, अच्छी लॉबी में या फिर कस्टम से यूज़ करते हो, तो आपके रिस्क के ऊपर है, बिकॉज टेक्निक तो देखो बहुत अच्छी है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अच्छे से, बट रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज सामने बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं ऑलवेज कस्टम में। सो अपने रिस्क पे ही यूज़ करना। ओके, सो या गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है यार डेफिनेटली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने इसमें 3 आपको टेक्निक्स बताई है। मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ दोबारा से। बॉडी वेटिंग एंड जंप एंड शूट, दूसरी है बॉडी वेटिंग जो कि प्रॉपर बॉडी वेटिंग, और तीसरी है पीक एंड अनपीक वाली। तो कौन सी वेटिंग टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और कौन सी आप पहले से यूज़ करते हो या फिर कौन सी आप अब से यूज़ करने वाले हो तो वो भी बताना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप कस्टम या क्लासिक्स में इन्हें यूज़ करना चाहते हो, तो प्लीज़ 3DM में एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे घूमना है, कैसे मारना
करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपको 180 डिग्री टर्न करना नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसकी ट्रेनिंग रूम में जाकर प्रैक्टिस करो। मैंने ड्रेस बता रखी है ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को यार, बिना लाइक करे मत जाना। और जब भी क्या, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।